आज हम बनाने वाले हैं आलू की मसालेदार सब्जी। आलू की रेसिपी तो लोग कई तरीके से बनाते हैं और ज्यादातर लोगों को आलू की सब्जी खाना पसंद आता है। सबसे पहले हम आलू को छीलकर काट लेते हैं। आलू के छिलकों को हम इस तरीके से छील लेते हैं। इसी तरीके से हम सभी आलू को छील लेते हैं। एक एक करके हमने सभी आलू को छील लिया है। यहाँ हमने एक बर्तन में पानी लिया है, इसी पानी में आलू को काट लेते हैं। आलू को हम केवल दो भागों में इस तरीके से काटेंगे। आप चाहें तो आलू को चार भाग या आठ भाग कर सकते हैं। सभी आलू को हमने दो भागों में काट लिया है। यहाँ हमने एक प्लास्टिक का टोकरी लिया है, इसी टोकरी में आलू को पानी से साफ करके निकाल लेते हैं। ये आलू को हमने पानी साफ करके निकाल लिया है। अब इसका पानी हम सुखा लेते हैं। यहाँ हमने एक सूती कपड़ा लिया है, इसी कपड़े पर आलू को फैलाकर पानी को सुखा लेते हैं। अब आधे कपड़े को मोड़कर इस तरीके से पानी को सुखा लेते हैं। सभी आलू में लगे पानी को सुखा लिया है। अब इस प्लेट में उठा लेते हैं आलू को। अब इसको हम तेल में फ्राई करेंगे। तेल हमारे गरम हो गए हैं, अब आलू को फ्राई कर लेते हैं। आलू को हम पूरी तरह फ्राई नहीं करेंगे, हल्का फ्राई करेंगे। आलू को हम तेज आंच पर फ्राई करेंगे जिससे हमारे आलू आधे पक जाएं। अब आलू को धीरे धीरे पलट देते हैं। ये आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, इसको हमने पूरी तरह फ्राई नहीं किया है, हल्का ही फ्राई किया है। अब आलू को निकाल लेते हैं। आलू को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। गैस हमारा पहले से ऑन है। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। अब तेल को हल्का गरम करेंगे, तब इसमें डालेंगे जीरा। तेल हमारे गरम हो गए हैं, अब इसमें हम जीरा डालकर हल्का से भून लेते हैं। जीरा हमारे भून गए हैं, अब इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को बराबर चलाते हुए हल्के सुनहरे कलर में भुनेंगे। गैस को हमने मीडियम में किया है। प्याज हमारे हल्के सुनहरे कलर में भुन गए हैं, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसको प्याज में मिलाकर भून लेते हैं। अब इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर मिला लेते हैं। काश्मीरी लाल मिर्च सब्जी में डालने से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डालकर मिला लेते हैं। उसके बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला। अब मसाले को टमाटर प्याज में मिलाकर भूनेंगे। इसी में दो कटे हुए हरी मिर्च को भी डाल देते हैं। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं, हरी मिर्च कम डालें। अब मसाले को हम बराबर चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। मसाले को हमने बराबर चलाकर भून लिया है। अब इसी में हम दही को डाल देते हैं। ये दही बिल्कुल खट्टी नहीं है। अब इसमें थोड़े से पानी डाल देते हैं। अब दही को मिलाकर मसाले में तब तक पकाएंगे जब तक मसाले हमारे सूखे होकर तेल ना छोड़ दें। हम मसाले को जितनी अच्छी तरीके से भूनेंगे सब्जी हमारी उतनी अच्छी बनेगी। दही डालकर मसाले को हमने अच्छे से पका लिया है। मसाले हमारे सूखे हो गए हैं और तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें फ्राई किया हुआ आलू डाल देते हैं और इसी में नमक स्वाद के अनुसार डाल देते हैं। अब मसाले में नमक और आलू को अच्छे से मिला लेते हैं जिससे मसाले आलू में अच्छे से लिपट जाएं।
मसाले में हमने आलू और नमक को अच्छे से मिला लिया है और मसाले जो हैं आलू में अच्छे से लिपट गए हैं। अब इसमें एक कप पानी डाल देते हैं। पानी को सब्जी में अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आप ग्रेवी और पतला चाहते हैं तो पानी और डाल सकते हैं। अब इसको ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे, जिससे आलू हमारे अच्छे से अंदर तक पक जाएं। ये 10 मिनट हमारे हो गए हैं, ढक्कन हटाकर सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारी पककर तैयार हो गई है और सब्जी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हरी धनिया डालकर मिला लेते हैं। सब्जी हमारी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं आलू हमारे अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। अब हम इस प्लेट में सब्जी को निकालकर आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे इस तरीके से आलू की सब्जी बनकर तैयार है। आलू की सब्जी आप हर मौसम में बनाकर खा सकते हैं और इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। यह सब्जी बनाना बहुत आसान है, ये बहुत आसानी से बन जाते हैं।